है आपका लेक्चर 6 में डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे हम गेट एग्जाम की बात करते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे वे में हम इसको डील करने वाले हैं। तो पहले कंसेप्ट समझेंगे होता क्या ये, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज बढ़ते हैं आगे, उसके बाद हम गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और जो जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हायर वर्ड लग गया, तो हायर का मतलब क्या है, इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा था तो उसमें क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो इसमें ऑर्डर क्या था, 1। अब जब हायर ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो जो ऑर्डर हो जाता है वो 1 से इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 2, 3 या 4। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के लिए ये टॉपिक। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एन ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन जस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस के वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन के एन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने एन ऑर्डर के लिए जस्ट रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। ओके, आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी में समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये एन ऑर्डर के लिए। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 होता तब तो एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हम पुट करने वाले हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होती तो क्या हो जाता, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो इसमें क्या हो गया, जैसे जैसे जिस ऑर्डर के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो हम सीधे अपने ऑर्डर को देख के डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का है। तो ये हमारा जस्ट जनरल फॉर्म है एन ऑर्डर के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए के वन के टू एंड अप टू एंड सो ऑन के एन, ये क्या होते हैं हमारी, ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होती है, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है। ओके, कोई वेरिएबल नहीं होते, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं। और जो इज इक्वल टू के बाद जो एक्स है, या तो ये 0 होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, यहाँ पे मैंने नीचे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स लिया हुआ है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में नीचे टी दिख जाए, तो उस जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ टी होगा या 0 होगा। तो कहने की बात ये, या तो ये टर्म हमारा 0 होगा या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, तो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये होता है बेसिक आइडिया हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ के इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो मैंने ये बताया था कि के वन के टू एंड सो ऑन के एन कॉन्स्टेंट होते हैं, और जो एक्स था वहाँ पे वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या 0 होगा। ओके, अब बात आती है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि ऑर्डर उसका क्या हो, 1 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। ओके, तो कैसे करते हैं, जो डी अपॉन डी एक्स होता है उसको हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं। ओके, और मान लीजिए अब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है तो वो किससे रिप्लेस होता, जब ये हमारा डी से रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी स्क्वायर से। ओके, एंड सो ऑन अप टू, अगर डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन है तो किससे रिप्लेस होगा, डी की पावर एन। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो डी की पावर, मान लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स होता है उसको हम डी से रिप्लेस करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स को हम डी से रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से। मान लीजिए डी क्यूब अपॉन डी एक्स की पावर 3 होता तो किससे रिप्लेस करते, डी क्यूब से। ओके, तो जैसे हम ये रिप्लेस करेंगे तो जो हमारी जनरल फॉर्म जो मैंने अभी पीछे लिखी हुई थी, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं अब किस में टर्म्स में लिखने वाला हूँ, डी के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, डी की पावर एन, डी की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू के एन वाई। ओके, तो बाकी का सारा कुछ हमारा एज इट इज सेम रहने वाला है। अब देखिए, जो वाई, देखिए वाई सब में कॉमन होता है तो वाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो डी के टर्म्स होते हैं उसको हम एक अंदर मतलब सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो वाई को हम कॉमन निकाल लेंगे और इट्स इक्वल टू एक्स रहता है। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाला, ये क्या है भाई, जो अंदर हमारा पूरा टर्म है वो फंक्शन ऑफ डी है, और एक मल्टीप्लाई किससे हो रहा, वाई से, और वो किसके इक्वल है, एक्स से। तो ये हमारी फॉर्म आ गई, एफ ऑफ टी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके,
तो इस टाइप की ये इक्वेशन बन जाती है आपकी लास्ट में। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो होता है हमारा y इज इक्वल टू, तो ये देखिए y यहाँ पे आपको याद रखना है, y क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो क्वेश्चन में अगर वो y ना देके कुछ और डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ चेंज कर दे तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू। ओके, क्या होता है u प्लस v, तो यहाँ पे u क्या हमारा, u है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं CF, और जो v होता है वो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम बोलते हैं PI। ओके, तो y क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मान लीजिए अगर हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इज इक्वल टू CF+PI। ओके, तो ये होता है हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो पूरा प्रोसीजर होता है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही ईजिली आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बिल्कुल मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आए चाहे गेट में आए, आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए एक स्पेशल केस होता है, अगर जो एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो मैंने बताया था ना कि जैसे ये है FDY इज इक्वल टू एक्स है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स ना हो के वो जीरो हो, तो इस केस में क्या होता है, अगर हमारा राइट हैंड साइड जो हो इक्वेशन में, अगर मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हायर ऑर्डर की दी हुई है, वहां पे ना एक्स की वैल्यू जीरो है यानी कि जो राइट हैंड साइड होता है वहां पे कोई फंक्शन ही प्रेजेंट नहीं है, जीरो है, तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, FDY इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारा, वाई इज इक्वल टू CF, यानी कि इस केस में हम PI को कैलकुलेट नहीं करते। ओके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ओके, जिसमें क्या है सिर्फ CF आपको निकालना है। ओके, आपको PI कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर राइट हैंड साइड हमारी जीरो है, यानी कि अगर इस टाइप की इक्वेशन आपकी बन जाती है तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं या PI कैसे निकालते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि सॉल्यूशन निकालते कैसे, कुछ स्टेप होते हैं, तो मैंने 5 स्टेप लिखे हुए हैं किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने, आप बहुत ही इजीली आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, तो यही पूरा प्रोसीजर है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, तो चलिए स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ओके, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में बताने जा रहा हूँ, देखिए आपका फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है आपकी, वो आपको किस में कन्वर्ट होती है, FDY इज इक्वल टू एक्स में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ डी है, यानी कि जो फंक्शन ऑफ डी होता है, अगर हम उसको जीरो के बराबर पुट कर दें, कहने का मतलब क्या है, जो फंक्शन ऑफ डी होता है उसको अगर हम जीरो के बराबर इक्वेट कर दें, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो क्या हुआ है ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपका फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, जहाँ पे जो फंक्शन ऑफ डी को अगर हम जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो पहला आपका स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स फाइंड करना। तो रूट सिंपल हम मैथमेटिक्स में जैसे फाइंड करते हैं, ये क्या होगा, ये आपकी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्यूबिक इक्वेशन होगी या कुछ भी हो सकती है। ओके, तो आप इजिली रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आपकी इक्वेशन इस टाइप की बन रही है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये आपका फंक्शन ऑफ डी है, इसको मैंने जीरो के इक्वेट कर दिया, तो ये क्या हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे, तो आप सिंपल इसको सॉल्व करने वाले हैं, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 वैल्यू आएंगी, तो उसको हम बोलेंगे रूट्स। ओके, 2 स्टेप हो गए आपके। तीसरी स्टेप क्या करना है आपको, गेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ केसेज होते हैं, यानी कि 5 या 6 केसेज होते हैं। ओके, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब देखिए जैसे आपके रूट्स आएंगे उस हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने वाले हैं। ओके, जैसे आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, आपको 6 याद हैं, ठीक है, तो आप पहचानेंगे कि रूट कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं दोनों या रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, कैसे भी रूट्स आ रहे हैं आपके, उसके हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अगर आपको हायर ऑर्डर सॉल्व करना है तो आपको CF और PI निकालना होता है। ओके, और अगर राइट हैंड साइड जीरो है आपकी तो आप CF ही निकालेंगे, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, गेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF। तो CF कैसे निकालते हैं, हम इस रूट्स के बिहेवियर से हम CF डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, स्टेप 4th क्या होता है हमारा, गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि
पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पी आई को निकालना इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो। अब नेसेसरी का मतलब क्या है, अगर जैसे मैंने अभी बताया था एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो इस केस में भाई पी आई क्या हो जाता है, पी आई जीरो हो जाता है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सिर्फ सी एफ। ओके, तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अगर राइट हैंड साइड हमारी जीरो होती है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए होमोजीनियस इक्वेशन आपसे पूछ ले तो क्या होता है, राइट हैंड साइड जीरो होती है। ओके, तो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्टेप फोर। अब बात आती है स्टेप फाइव। तो स्टेप फाइव में क्या होता है, आपने भाई सी एफ निकाल लिया, अगर पी आई निकाला जाए, अगर निकालना हो जैसे मान लीजिए अगर राइट हैंड साइड हमारी जीरो नहीं है तो पी आई निकालेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि आप दोनों की वैल्यू जो आपने सी एफ निकाला पी आई निकाला उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस की इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर ये टर्म हमारा जीरो हो जाए तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ। ओके, तो ये होता है पूरा प्रोसीजर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, अब बात आती है सी एफ और पी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम अब नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड्स आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे, आपको बिल्कुल प्रोसीजर आना चाहिए कि सी एफ पी आई कैसे निकालते हैं। ओके, तो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डर टू थ्री फोर कुछ भी हो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन वो होती है हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, दूसरा स्टेप उसके रूट्स निकालो, तीसरा स्टेप रूट्स से आप बिहेवियर देख के आप क्या निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, चौथा स्टेप अगर राइट हैंड साइड आपका जीरो है तो वही आपका आंसर हो जाएगा सी एफ, अगर जीरो नहीं है वो तो क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और स्टेप फाइव कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख देंगे। ओके, तो ये होता है हमारा पूरा प्रोसीजर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम पी आई डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही।